अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। और इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीच चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक सवार को तमंचा और 2 कारतूस के साथ में पकड़ लिया है, मगर ये वीडियो अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, जिस पर लोग अलग अलग तरह से चर्चा भी कर रहे हैं, जिसमें बाइक सवार युवक बाइक पर बैठा हुआ है और तमंचा उसका नहीं है ऐसा वो कह रहा है और पुलिस वाले उसको तमंचा दे रहे हैं और एक लाफा भी मार रहे हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ये वीडियो दरअसल कानपुर के टाट मिल चौराहे का बताया जा रहा है। इसी मामले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि ये युवक जो है ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर भाग रहा था और इसने हेलमेट भी नहीं लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस नोट भी जारी किया है। इस युवक का नाम तौहीद अजीज उर्फ रूमी बताया जा रहा है। रोड पर ये बाइक लेकर भागते वक्त गिर जाता है, तभी इसका तमंचा और कारतूस भी गिर जाता है, मगर ड्यूटी पर मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया और यही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें तमंचा और पुलिस और ये युवक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस इस युवक पर अब आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पता चल जाएगा कहाँ रहता है, क्या है नंबर से पता चल जाएगा ना किस तरह का है। हाँ बैल मुझे गिरा,